एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के ही दिनों में स्कॉटलैंड से अमेरिका चले आए थे। उन्होंने यहाँ पर छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली कंपनी के मालिक बन गए। दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास उसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। कहते हैं किसी ने कार्नेगी से एक बार पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने इसका जवाब दिया कि लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा होता है। हमको एक तोला सोना खोदने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ सकती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं होता, बल्कि हमारा ध्यान सोने पर रहता है। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी के इस जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई ना दे रही हो, इसी हालात में उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या फिर मिट्टी की? दोस्तों, कमियां ढूंढने वाले लोग तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल सकते हैं। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कमियों को भुलाकर हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना होगा। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस तरह ढाल देता है कि हम गलतियां और कमियों को ढूंढने के आदि हो जाते हैं, और इसीलिए तस्वीर का सबसे अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड।